Deepika Meditation Power, and all my DM and DF and all gorgeous ones, angels, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो इस चैनल पर न्यू आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम एक दूसरे को इसी तरह से पॉजिटिविटी देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है DF एंड DM की एनर्जी चेक का। तो आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी हमारे 2010 जर्नी के व्यूवर्स हैं, जो यहाँ पर नए आए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि वो किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और वो क्या स्पिरिचुअल पाथ है, वो ट्विन प्लेन जर्नी है या फिर कुछ और है, तो अगर आप लोगों को पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों के साथ किस तरह के जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं ट्विन प्लेन जर्नी पर। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप एक पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं मेरे से, तो उसमें मैं जो है चेक करके आपको बता सकती हूँ दैट यू आर इन अ ट्विन जर्नी और नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जो है कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि आप जो है ट्विन जर्नी में हैं या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अवर एनर्जी चेक। तो आज जो है मैं यहाँ पर DM और DF की एनर्जी चेक करूँगी और जो है कुछ एडवाइस दूँगी, फिर देखते हैं कि कैसी एनर्जीज आ रही हैं। तो आज मैं कार्ड साफ सामने निकालती हूँ और DM और DF की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो कार्ड से मैं निकालती हूँ DM के लिए। वर्क कर रही हैं उनके लिए निकालेंगे, ये कार्ड काफ़ी सारे निकल गए तो मैं इनको प्लीज कार्ड बताइए डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या एनर्जी है। ओके सो फ्रेंड्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ कप्स, इट्स अ पास्ट लाइफ एनर्जी। एंड जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, उन्हें सब पता है कि दे आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड इट कनेक्शन इज अ पास्ट लाइफ जर्नी कनेक्शन। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड इन अ बॉटम ऑफ द डेक। ओके सो फ्रेंड्स, हेयर इज अ कार्ड फॉर DM एंड DF। सो लेट्स स्टार्ट विद द अवर डिवाइन फेमिनाइंस कि वो किस तरह से जो है अपना वर्क कर रही हैं, क्या एनर्जी चल रही है। ठीक है, सो मैं आपको कार्ड भी दिखाती हूँ, मैं ज़रा DM के कार्ड इधर देती हूँ। फ्रेंड्स, जो DF है उनकी एनर्जी भी स्ट्रेस वाली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है मूड काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। चलो मैं पहले कार्ड दिखा देती हूँ आपको। टेन ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो ये हमारी DF के कार्ड्स हैं जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं दे ऑल आर नो, एंड जो मेरी क्लाइंट
फ्रेंड्स हैं उनको तो पता ही है। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद आवर नाइन ऑफ सोर्स। तो नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो नाइन ऑफ सोर्स जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं उनके अंदर जो है एनर्जी उनकी फ्लक्चुएट कर रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि जिस भी तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि अभी जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं दे मोस्टली आर इन अ सेलिब्रेशन पीरियड, अभी यूनियन नहीं हुई है। सो उनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या कोई ये एक रियल चीज़ें हो रही हैं या फिर ये उनको सिर्फ वहम हो रहा है कि हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमें जो है एंजल्स के साइन मिल रहे हैं या हमें नंबर्स दिख रहे हैं या हमें इस तरह का फील हो रहा है कि डीएम वापस आने वाले। तो आप लोगों में जो है वो काफ़ी फियर आ रहा है और आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है और डिप्रेशन हो रहा है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट वाली एनर्जी है, समटाइम यू आर वेरी मच एंग्री इन योर डीएम एंड यू रियलाइज द पास्ट थिंग्स व्हाट दे डिड विद यू। सो इसलिए ये इस तरह की एनर्जीज जो हैं वो आपको आ भी रही हैं और कुछ आपको इस तरह के साइंस भी दिए जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर जो है वो भी मिल रहा है क्योंकि अभी जो है वो पास्ट लाइफ एनर्जी आ रही है तो बहुत लुक्चू कर रहे हैं और जो एनर्जी जो है वो समटाइम आपकी बहुत ज़्यादा एंग्री वाली हो रही है, समटाइम आप चाहते हैं कि किसी से बात ना की जाए, यू जस्ट वांट टू कट आउट फ्रॉम एवरीवन और जो आपकी जो नींद है वो उड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दूसरा जो कार्ड है वो मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो वेट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए और वो अपनी दुनिया समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो कहीं विदेश में हो क्योंकि ये विदेश का कार्ड होता है, ट्रैवलिंग का कार्ड होता है फॉरेन कंट्री में, बट ड्यू टू कोरोना जो है वो ऐसा संभव तो नहीं है, बट हो सकता है कि आप लोगों से किसी के जो पार्टनर है वो फॉरेन में रहते हो, जो आपके ट्विन है वो फॉरेन में रहते हो, या फिर ये है कि आप लोगों की जो स्टेट है वो काफ़ी दूर है और ड्यू टू कोरोना जो है वो अभी इतनी ज़्यादा जो है वो कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है एंड ये एक डिवाइन कनेक्शन भी है, डिवाइन टाइम चल रहा है तो सेपरेशन में है, आपके जो पर्सन है वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि मैं किस तरह से आगे मूव करूँ, किस तरह से बातचीत करूँ, किस तरह से प्रोसीड करूँ चीज़ों को सही तरीके से। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस करना ये है कि आपको जो है डिवाइन पर जो है आपको भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है इस जर्नी पर। थर्ड जो कार्ड है मेरे पास, आप लोग जो हैं क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में है तभी आप लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी फील कर रहे हैं, ये एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक तरह से ट्रॉमा में जो है वो डिवाइन फेमिनाइंस रह चुकी हैं, काफ़ी कुछ सह चुकी हैं, तो वो जो है चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी डिसीजन हो जाए, मतलब आर या पार वाली सिचुएशन हो जाए कि जो है डिसीजन हो जाए किसी भी तरीके से यस या नो, क्योंकि आप अपने आप को अब किसी भी स्ट्रक वाली सिचुएशन में नहीं रखना चाहते, कोई ना सोर्स जो है वो मुझे ये बता रहा है। और आप जो है काफ़ी ब्लंटली हो गई हैं, आपको ऐसा लगता है कि जब आप बात भी करती हैं तो कोई अगर आपको पसंद नहीं है जी तो आप उसको फटाफट जो है आप तो उसको कट आउट कर देती हैं और जो भी आपके बारे में नेगेटिव बोलता है या सोचता है आप उसको कट आउट कर देती हैं, तो इस तरह की ब्लंटली एनर्जी हो गई, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, आप किसी के साथ भी आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इस तरह की एनर्जीज हो रही हैं पर आगे आने वाले टाइम में ये सिचुएशन सही हो जाएगी। पर आपको क्या है, अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है और ये जो एनर्जी आपके जो पर्सन है उनको भी ये बात पता है कि आप जो हैं डिसीजन लेने के लिए बैठी हैं, आपको कोई भी जो है आपको बहकाया नहीं जा सकता कि नहीं मैं बाद में डिसीजन लूँगा, मैं बाद में सोचूंगा, इस तरह की एनर्जी में आप नहीं हैं।
जो पर्सन जो है वो आपको जो है वो ऑफर करना चाहते हैं, उनको पता चल चुका है कि ये ऑफर जो है ये डिवाइन की तरफ से है, और वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, और जो वो आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। करना आपको यही है कि आपको अपने आप पर ट्रस्ट रखना है, अपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है कि ये जो कनेक्शन है ये मिरेकल से भरा हुआ है, और जो आप चाहते हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने जो प्रेयर में मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये आपको ट्रस्ट रखना है, क्योंकि एस ऑफ गॉड भी यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप, इस जर्नी में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं देखती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आ रही है, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर भी हैंग मैन की स्थिति आई है, ये देखिए हैंग मैन। सो आप लोग जो है एक हैंग मैन की स्थिति में है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हैंग कर दिया गया, आप ना इधर के ना उधर के, यू आर स्टक। सो आपको इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, द स्टार। स्टार मीन्स न्यू बिगिनिंग, ओके फ्रेंड्स। सो ये हमारी थी डी एफ की एनर्जी चेक। सो अभी हम देखते हैं कि हमारे जो डी एम है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की बिल्कुल सेम एनर्जी चल रही है, आप लोग मिरर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सैड एनर्जी में रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, तो आपके डी एम आपको मिरर करेंगे और वो भी नेगेटिव एनर्जी में जाएंगे। सो जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए इस रिलेशनशिप को लेके, इस जर्नी को लेके, ओके। Here is a five of cups, queen of pentacles, page of wands, four of swords and page of swords. Okay, so let's start with dekhte hain yahan zara bottom of the deck mein kya hai. पावरफुल लेडी के रूप में देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा पावर में आ चुकी है, अबंडेंट है और ज़िद्दी किस्म की है, इसको बिल्कुल भी बहकाया नहीं जा सकता। और अब जो भी करना हो, सोच समझ के करना होगा, तो वो स्लोली स्लोली स्टेप ले रहे हैं इसलिए, और डिवाइन भी उसको जो डी एम है उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस तरह से आगे जो बढ़ना है। इसी के नीचे जो है मेरे पास और कार्ड आया था, मैं ज़्यादा कार्ड लेना नहीं चाहती पर दिखा देना चाहती हूँ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था। वो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है आप एक मदर बनने के लायक हैं उनकी किड्स की, और आपको वो काफ़ी मदरली एनर्जी में देखते हैं, अबंडेंट लेडी देखते हैं, वो देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पावर आ गई है। ये उनको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ कोई मिराकल जैसा हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेडी है, और उन्हें थोड़ा रिग्रेट भी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ जो कार्ड आया है, वो भी आया है फाइव ऑफ कप्स का, वो काफ़ी डिप्रेस है, परेशान है, उनको ऐसा लग रहा है और वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने इस खूबसूरत कनेक्शन जो है डिवाइन ने उनको दिया था तो इसकी वैल्यू नहीं की, और अब उनको जो है वो पछताना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो मूव ऑन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, बट एक्चुअली वी आर इन अ सेपरेशन एंड इट्स ग्लास ऑफ वॉल, जस्ट लाइक अ ग्लास ऑफ वॉल बिटवीन द डी एम एंड द डी बाय द गॉड, ओके। लेकिन उनको जो है वो एकदम से सडनली ये सिचुएशन हुआ है, तो दे आर वेरी फियरफुल कि ये सब क्या हो रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, तो दे आर इन अ वेरी मच रिग्रेट। और उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है, और वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लग, और वो एक ये जो ऑफर है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन के लेना चाहते हैं। उनके अंदर इमोशंस आ रहे हैं इस तरह के, और डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, उनके इमोशंस पर वर्क किया जा रहा है, हीलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये हीलिंग का कारण है। फोर ऑफ सोर्स, वो काफ़ी रेस्ट की अवस्था में है अभी इस टाइम पे, और पोजिशन में है, वो
हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि पहले मैंने क्या किया था और चीज़ें क्या वाकई में इतनी ख़राब करने की ज़रूरत थी। तो इस तरह का जो सिचुएशन है उनके माइंड में आ रही है कि बार बार आ रही है कि, और गॉड उनको रियलाइज करा रहे हैं कि तुमने पास्ट में क्या किया था। बहुत सारे उनको जो है ट्रिगर दिए जा रहे हैं, उस तरह से ट्रिगर आपको मिल रहे हैं उसी तरह से उनको भी दिए जा रहे हैं। सो यहाँ पे हीलिंग भी हो रही है। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, प्रोसीड करने में, और वो चाहते हैं कि अब वो सही तरीके से इस रिलेशनशिप को प्रोसीड करें। तो जो लोग यहाँ पे अनमैरिड है, सो यहाँ मैरिड या अनमैरिड की तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो मैरिड है वो रीयूनियन में आ सकते हैं, मीन्स वो रीयूनाइट हो जाएंगे। और जो अनमैरिड लोग हैं वो लोग, इट्स जनरलाइज मैसेज, क्योंकि इसका जो डेस्टिनेशन है ट्विन जर्नी का वो रीयूनियन है, तो हो सकता है कि हम कुछ लोगों की मैरिज भी हो जाए। तो ये डिसीजन तो आपका खुद का होगा कि आप उस पर्सन के साथ आगे जो है प्रोसीड किस तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सडनली सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू क्रिएट अ होप इन यू एंड डिवाइन, ओके, एंड योर डीएम ऑल्सो, ओके। सो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स यही है कि आप फिर पर्सन काफ़ी पैशनेट है, चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव वे में प्रोसीड करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो देखते हैं, आपको देख रहे हैं, पीछे के जाके मैसेज देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किस तरह की हमारी बातचीत हुई थी, क्यों आर्गूमेंट्स हुए थे, या क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो रियलाइज करवाई जा रही हैं डिवाइन के द्वारा। ओके सो फ्रेंड्स, जुलाई में हमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। अभी मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि जो हमारे जो डीएम हैं उनके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। पर दो कार्ड्स दिख रहे हैं, सॉरी आउट हो गए हैं, सो मैं यहाँ पर फर्स्ट इज द एम्परर। द एम्परर, एम्परर मीन्स वो जब भी आपके पास आएंगे तो वो एक मेच्योर एनर्जी के साथ आना चाहिए, एक मेच्योरिटी के साथ आना चाहिए, आप आना चाहते हैं। जैसे ये पेज है तो ये जो होते हैं ये मेच्योर होते हैं, लेकिन जो एम्परर की एनर्जी होती है एरीज जोडिक साइन के लिए होती है, तो वो आपके पास जब भी आना चाहते हैं तो वो एक मेच्योर पर्सन की तरह आना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपको जो कुछ नहीं मिला है वो अब जो है वो आपको मिले, और वो आपके इस रिलेशनशिप की जो वैल्यू है वो समझ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, द मैजिशियन, और द मैजिशियन का मतलब कि यहाँ पर मैं दो लूँगी कि एक तो वो हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि तुमको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कार्ड आया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं और उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि बाकी कैसे प्रोसीड किया जाए, तो डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, तो वो आपको इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो डिवाइन है वो ये बोलना चाहते हैं कि यू डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, क्योंकि ये एक जर्नी जो है ये मिराकुलस जर्नी होगी। सो आप जो है अपनी जर्नी इस लाइफ में आप जो है मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी जो रीडिंग थी वो थी डीएम और डीएफ की, कि अभी जो मेरा फोकस जो होने वाला है वो ज़्यादा इस जर्नी के वीडियोस पर होने वाला है, क्योंकि इस जर्नी में अब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, सडनली चेंजेस आने वाले हैं, और वो सब जो है मोस्टली जो है वो पॉजिटिव होंगे। सो अभी राइट नाउ जो बहुत सारे लोगों की जो एनर्जीज हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप किसी भी तरह के आर्गुमेंट वगैरह में अपने आप को जो है इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक आर्गूमेंट्स हो सकती है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए या थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाइए,
है फ्रेंड्स, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अगर जो है आपको ऐसा लगता है, अभी मेरी फीलिंग्स जो हैं वो चल रही हैं और मैं इस वीडियो के अंत में जो है जो विन हुई हैं लेडी, उनकी मैंने जो है रीडिंग उनको दे दी थी, तो मैं उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो मैं डाल दूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर फीडिंग जो है वो दी जा रही है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम आप भी विनर बन सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों को पॉजिटिविटी चाहिए उन लोगों को शेयर कीजिए और मेरे सोल फैमिली का हिस्सा बनिए। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे ये पता चल सके कि नेक्स्ट विनर कौन हो सकता है, क्योंकि मुझे नाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। मैंने कोरोना के ऊपर भी रीडिंग बनाई है, तो आप वो लोग वो भी देख सकते हैं कि जुलाई के अंदर कोरोना के और क्या स्थिति रहने वाली है और हमें डिवाइन जो है वो क्या एडवाइस दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सच मेरे यार ने बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार है, बाकी बेकार है यार। ओ यार मेरे, सच मेरे यार है बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे। ओ यार मेरे, जिस हाथ में एक हाथ है उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिल, एक हम सफर घर साथ है, जिसकी किस्मत में कोई सवार भी वो ही दिलदार है यार मेरे।